समास। हमारी क्लास तो शुरू थी समास से, वो लेकर के समास की कल परिभाषाएं देखी थी, एक की रह रही होगी तो एक की भी नहीं रह रही, क्योंकि हमारे यहाँ समास थे वो देखिएगा, एक समास था हमारे यहाँ केवल समास, जिसकी परिभाषा लिखी थी हमने केवल समास। केवल समास केवल संस्कृत में ही होता है और कहीं नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत में केवल समास केवल संस्कृत में होता है और किसी लैंग्वेज में नहीं होता है। दूसरा समास है अव्ययी भाव, जिसमें हमारी बात विशेष रही कल की बात क्लास में, अव्ययी भाव समास। तीसरा है तत्पुरुष, चौथा था बहुव्रीहि, और पांचवा था द्वंद्व। पांच समासों की परिभाषाओं की जब बात करें, सभी दोस्तों का मैं ये बता दूं कि समास संस्कृत में पांच भेद हैं। केवल समास के उदाहरणों को कल हमने देखा विशेष में, दृश्य में फिर दिखा देता हूं। केवल समास के उदाहरणों में विशेष रूप से कहा गया कि केवल समास किसे कहा, पहले तो ये ध्यान रख लें, केवल समास उसको कहा जिसमें दोनों पदों के मिलने पर भी कोई विशेष अर्थ विशेष दिखाई ना दे, वो केवल समास है। जैसे कि उदाहरण में हम जाएं, इसके उदाहरण को लेकर के बैठे, जैसा कि आचार्य पाणिनि महोदय ने इसका उदाहरण लिखते हुए समास जो पद है वो क्या लिखा, उस पर भी हम बात कर लें, और फिर समास विग्रह उन्होंने बताया वो भी हम ध्यान रखें। यहां सारा खेल पाणिनि मुनि द्वारा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि क्या संस्कृत में उदाहरण ज्यादा है कि कम है? याद रखिएगा, संस्कृत में उदाहरण बहुत ज्यादा है, किंतु अन्य भाषाओं का एक भी उदाहरण नहीं है। हिंदी भाषा में संस्कृत के भी उदाहरण ले लिए जाते हैं, अन्य भाषाओं के भी उदाहरणों को मिक्स कर लिया गया, लेकिन संस्कृत भाषा में केवल संस्कृत के ही उदाहरण चलते हैं, इसलिए हमें कुछ ही उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे भूतपूर्व है, जिमुतस्येव है। तीसरा मैं बात करूं तो वागर्थाविव है, उदाहरणों की कमी नहीं है, मगर परीक्षक का कहना यह है कि भैया जो उदाहरण पूछा है क्या उसका आंसर है आपके पास? क्या कारण है कि परीक्षक हर बार भूतपूर्व देकर के ही हमसे पूछता है कि समास विग्रह क्या है? क्या आवश्यकता है? यही नहीं, दिल्ली राजस्थान नहीं, दिल्ली में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, किसी किसी भी स्टेट का आप थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठाओ, और केवल समास में यदि उदाहरण मिलता है तो केवल एक ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाणिनि ने लिखा एक ही तो उदाहरण लिखा था उन्होंने। उसके बाद में तो हमने जो शब्दों को तोड़ करके व्याकरण के अनुसार हमने ये दो उदाहरण और रख लिए, ये समास विग्रह हो गया, ये लीजिए सर। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे केवल समास में उदाहरण ढूंढने की कोशिश ना करें, व्यर्थ में समय खराब करना ये आदत हमारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी आदत को अवॉइड भी करना चाहिए। अब आता है उदाहरणों की, कल हमने परिभाषाएं बता दी थी, आज हम उदाहरण लेके चलेंगे अव्ययी भाव समास के। अब अव्ययी भाव समास में हम उदाहरण लेके आ रहे हैं, पहले लेंगे हम समास पद और दूसरा इसका समास विग्रह। या मैं एक काम करता हूं, इसको सबसे पहले विग्रह लेके चलता हूं और फिर हम इसको पद बनाते हैं और फिर इसका समास देखते हैं, तीनों में हम उल्टे क्रम में चलते हैं ताकि हमें याद हो जाए। सबसे पहले लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह। अब लौकिक विग्रह से क्या बनाया आपने? समास पद, और समास पद से हमने कहा समास का नाम दिया। देखते हैं कैसे क्या बन रहा है। एक लौकिक विग्रह है हरौ इति, हरौ इति, ये एक शब्द को तोड़ के बनाया गया। कैसा? वो कौन शब्द है जहां ये बनता है?
समास है, पद है अधि हरि, अधि हरि, जिसका समास विग्रह क्या होता है, हरो इति। समास कौन सा है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा वे आ जाए कि अव्ययी भाव में समास में क्या कहा गया, याद रखिएगा अव्ययी भाव समास में पूर्व पद या तो क्या होगा, विशेष रूप से उपसर्ग होगा, अव्यय होगा या संख्या पद होगा। आइए जरा सा हम देखते हैं यहां पर, दूसरा उदाहरण लेके आ रहा हूं, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप, इसका समास पद क्या होगा, उपकृष्णम, उपकृष्णम, अव्ययी भाव का ही है। अब का सब इनके अलावा कोई उदाहरण नहीं है क्या इसमें, तो वो भी ध्यान रखें। मैंने अभी उठा के यहां रखा है अधि रामम, अधि सीतम, अध्यात्मम। उदाहरण में और लेके चलता हूं, उप गु, उदाहरण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां मेरे साथ तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठवा उदाहरण है, इन्हीं की तरह का उदाहरण रखे हैं मैंने। यहां पर मैं बात करूं अधिरामम का समास विग्रह क्या होगा, तो रामे इति, सीता स्त्रीलिंग शब्द है तो सीतायाम इति, और आत्मन शब्द पुल्लिंग शब्द है इसलिए आत्मनि इति, अधि लगा है ना, और गाय है तो गाव है समीपम। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको गौ समीपम है तो गौ समीपम कीजिएगा यहां, और यहां पर गाय के समीप है तो यहां पर आप गौ समीपम करो, ताकि आपको भी यह ध्यान रहे कि गौ समीपम। और ऐसी स्थिति में आपके पास में उदाहरण करीबन छह उदाहरण किसके हो गए, अव्ययी भाव के, और उदाहरण रखते हैं सातवां उदाहरण अव्ययी भाव का रखें कि सुमद्रम, निर्मक्षिकम, अनुविष्णु, अनुरूपम, अनुज्येष्ठम, इति हरि, इति हरि। और भी देखते हैं उदाहरण तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो यहां देखते जाओ, यथाशक्ति, से हरि। उदाहरणों पर हम जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा समास विग्रह क्या होगा। तो सुमद्रम, समुद्र नहीं लिखा है, सुमद्रम लिखा है, तो मद्र एक जाति है, मद्राणाम समृद्धि, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, विष्णु पश्चात, रूपस्य योग्यम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वे, हरि शब्दस्य प्रकाश है, शक्तिमनति क्रम में, हरे सादृश्यम। अब ये उदाहरणों को आप देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं इस चीज को।
तो यहां पर उदाहरणों की जब बात चल रही है, सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि इति उक्ते कहना क्या चाह रहे हैं, मद्र एक जाति का नाम है और ये जाति का नाम है इसलिए बहुवचन में ही षष्ठीके में जाएगा। समृद्धि मतलब संपन्नता, जब कोई संपन्नता विशेष में आ रहा है तो सु उपसर्ग का प्रयोग होगा। और विशेष रूप से अविभाव में आपको ये याद रखना है, जब किसी शब्द के अंत में ए या आ रहा हो, किसी शब्द के अंत में ए या आ रहा हो तो वह नपुंसक लिंग में जाएगा, चाहे वो पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जब हमने बनाया इसको तो उपकृष्णम कहा, उपकृष्ण नहीं बनता है, उपकृष्णम ही बनेगा, नपुंसक लिंग में जाएगा। लास्ट में ए था ना, मक्षिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द थी और आकारांत है, लेकिन जब हमने इसको समास में बनाया तो निर्मक्षिकम, नपुंसक लिंग बन रहे। तो अकारांत और आकारांत दोनों शब्दों का ये ध्यान रखना होगा कि वहां पर क्या होगा। तो यहां कहा मद्राणाम समृद्धि, मद्र जाति की संपन्नता, षष्ठी विभक्ति काकेकी के अर्थ में यही होता है। तो काकेकी के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास ये ऑप्शन आता है। यदि कहा मैं कुछ और लिखूं और फिर बनाऊं तो लो, सुवैश्यम जाति है, सुब्राह्मणम, सुकृषकम, ये लो साहब। यदि कोई हमें ये कहे कि सुकृषकम बनता है क्या, कृषक है किसान, हाँ बनता है भाई, एक जाति विशेष है वो। तो कहा ऐसी स्थिति में कृषक जाति की संपन्नता, कृषकाणाम संपन्नता, और वैश्य जाति की संपन्नता, ब्राह्मण जाति की संपन्नता। तो यहां संपन्नता सु अर्थ में वहां आ रहा है, और यहां हम एक पहचाने कैसे, अरे सु तो है आज लास्ट में नपुंसक लिंग का भी तो पद लगा है। तो हिंदी के साथ में जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इसका नाम संस्कृत है, और संस्कृत में संस्कृत के ही रूल चलेंगे, हिंदी वाले रूल नहीं चलेंगे। हिंदी में संस्कृत के रूल चल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में संस्कृत के ही रूल रहेंगे, हिंदी के रूल नहीं चलेंगे। इसी प्रकार मेरे पास मक्षिका थी, तो मक्षिका यानी मक्खी, मक्खियों का अभाव, निर्क अर्थ होता है अभाव अर्थ में, तो मक्खी क्या है, एक जाति है, तो बहुवचन में ही जाएगा। एक जातिवाचक शब्द याद रखना, जातिवाचक शब्द हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं, तो मक्षिका नाम अभाव है। फिर कहा अनु विष्णु, और यहां पर तीन अनु अनु लगाया है, लेकिन समास विग्रह तीनों का अलग है। क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि विष्णु एक संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु शब्द के पहले यदि अनु का प्रयोग हो रहा हो तो वह पश्चात अर्थ में होगा, यानी पीछे, अनु का अर्थ भी होता भी क्या है, पीछे। और षष्ठी विभक्ति में गुरु शब्द की तरह विष्णु क्या बनेगा, विष्णु, तो विष्णु पश्चात। रूप क्या है, रूप हमेशा विशेषण होता है, रूप रंग स्पर्श गंध ये क्या है, विशेषण है। यदि किसी विशेषण शब्द के पहले अनु लग रहा है, किसमें, अविभाव समास में, तो वो योग्य के अर्थ में होता है। और ज्येष्ठ क्या है, अवस्था है, जैसे कुमार एक अवस्था है, वृद्ध एक अवस्था है, यौवन एक अवस्था है, वैसे ही ज्येष्ठ भी क्या है, एक अवस्था है। और अवस्थावाची शब्द के पहले अनु लगा तो वो अनुपूर्वेण अर्थ में रहेगा, और अनुपूर्वेण का अर्थ होता है क्रमशः। इति हरि, एक अधिहरि बनाया, एक इति हरि है, और इति हरि का अर्थ हो गया हरि शब्द से प्रकाश है, हरि शब्द का प्रकाश में आना। यथाशक्ति, देखिएगा यथाशक्ति है, वहां भी विसर्ग नहीं लगा रखे, नहीं मैं है, शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। स हरि, हरे सादृश्यम, इसी प्रकार के जो उदाहरण है वो हम और लेके चले और देखें यहां पर। तो उदाहरण मेरे पास एक और है, स तृणम, साग्नि, और उदाहरण रख के चले तो साक प्रति, और उदाहरण लेके चले तो पंचगंगम, और उदाहरण रखे तो द्वि यमुनम, और उदाहरण रख लो तो सप्त गंगम,
त्रि नर्मदम छोटे छोटे चीजों को यदि हम रख के साथ चलते हैं तो हमें यहां दिखाई दे जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमें यहां ध्यान रखना होगा कि इन उदाहरणों में क्या होने वाला है। और पंच सरस्वती इन सभी शब्दों में अव्ययीभाव समास होगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर मैंने कहा तृणम अपि अपरितज्य, अर्थ क्या है, तिनका भी नहीं छोड़ा, तिनके को भी नहीं छोड़ा। तो वन वर्ड में क्या कहूं, सतृणम का सब सतृणम समझ में नहीं आ रहा तो इसे समझा देता हूं। अब सोचिए आपका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। सिलेक्शन के बाद में आपने राजस्थान की बात करूं तो हमारे यहां पर चूरमा जो दाल है, बाटी जो हमारे यहाँ एक बड़ा खाद्य पदार्थ है जिसे खाया जाता है, विशेष रूप से स्वामणी नाम दिया जाता है, आपने स्वामणी करी। और पत्तल कौन सी मंगवाई, पत्तल वो जो कि पत्तों से बनती है वो वाली मंगाई जिसमें तिनके लगे रहते हैं। आपने चूरमे में दाल डाली और खाना शुरू किया, खाते खाते वो जो तिनका जो था वो भी आपने नहीं छोड़ा, तो सामने वाला क्या कहेगा कि खाते हुए आपने तिनका भी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार आप अपने सिलेबस में तिनका भी मत छोड़ना, यानी कि सिलेबस को पूरा का पूरा याद होना चाहिए, हर चीज याद होनी चाहिए, वही क्या होगी सतृणम। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अदिते, साग्नि का अर्थ क्या है, जब तक अग्नि जलती रही तब तक पढ़ता रहा, तब तक पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, जब तक अग्नि जल रही थी तब तक पढ़ रहा था, बोले साग्नि, बोले वर्तमान में, बोले सह विष्णु सह विद्युत, कि जब तक लाइट जल रही थी तब तक आप पढ़ रहे थे, तो सह विद्युत हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरह से ही यहां बना साक प्रति, तो साकस्य लेस है, साकस्य लेस है, कैसे बना, तो साग नहीं सब्जी, हरी सब्जी को साग कहा जाता है, दाल को साग नहीं कहा जाता, उसे तो सूप कहा जाता है। तो कहा थोड़ी सी सब्जी को क्या कहूं, साग प्रति, ये प्रति बाद में आया है, यानी उपसर्ग बाद में आया है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या कहा जी, किसका उदाहरण है ये, अव्यय उत्तर पद का, अव्यय उत्तर पद है इसमें, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अब आया हमारे पास संख्या विशेष, गंगा नाम पंचानाम, गंगा नाम समाहार है, तो नियम भी है यहां ध्यान रखिएगा, नदी विषय एक सूत्र है जो ये कहता है कि अव्ययी भाव में होगा ये उदाहरण। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि गंगा नदी वाची शब्द जितने भी हैं यदि उनके पहले कोई संख्या पद संस्कृत में आए, संख्या कोई आ जाए तो वो अव्ययी भाव में रहेगा, ना कि वो द्विगु या बहुव्री में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। द्वयो यमुनयो समाहार, दो नदियों का समूह। फिर कहा सप्तानाम गंगा नाम समाहार, ये भी अव्ययीभाव समास में। त्रिषणाम नर्मदा नाम समाहार, यहां पर स्त्रीलिंग में मैं जब जाऊंगा ना, नर्मदा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके यदि मैं षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जाता हूं तो तृष्णाम बनता है, त्रयाणाम नहीं बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। पांच सात ये संख्या तो तीनों लिंगों में एक जैसी चलती है, पुल्लिंग स्त्री नपुल्लिंग तीनों में। तो यहां थोड़ी हमारे पास आती है यहां पर सरस्वती, तो पंचानाम सरस्वती नाम
समाहार। इस तरह से नदीवाची शब्दों में भी क्या हुआ है, यहां पर विशेष रूप से अविभाव समास हुआ है। इसी तरह का उदाहरण मैं और लेके जाऊं अविभाव समास में, तो मेरे पास एक उदाहरण और है उस पर भी लेके जाऊं, जैसे कि त्रिमुनि और द्विमुनि। कहा यहां तो द्विगु कर दें, जी नहीं, यहां भी द्विगु समास नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो भी बताता हूं कि त्रय मुनय और द्वौ च मुनि च। अब यहां पर एक नियम आता है संख्या वंशेन, ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि वंशवाची शब्दों के पहले, फिर से सुनिएगा, वंशवाची शब्दों के पहले यदि संख्या आएगी तो वो भी अव्ययी भाव में ही रहेगा, ना कि द्विगु में रहेगा। मैंने फिर कह देता हूं, संस्कृत के नियम ही संस्कृत में चलेंगे, अन्य भाषाओं के नियम संस्कृत में निषेध है, बिल्कुल निषेध है, हर स्थिति में निषेध है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा आज ही। तो ये थे हमारे पास उदाहरण किसके, अव्ययी भाव के। अब बात करते हैं हम तत्पुरुष की, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि बाद वाले उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधानता किसकी होती है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है इसमें। अब बात करते हैं कि बाद वाले की होती है तो ये दो प्रकार का होता है, तो पहले हम इसे छोटा सा समझ रहे हैं, इसी को ही मैं बिखेर देता हूं। एक है तत् और पुरुष, और इसका दूसरा मैंने तोड़कर बना दिया तस्य पुरुष। देखिए देखने में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब कहा समास में तो दो पद होते ना, अब जब दो पद होते हैं तो पहला जो ये पद है इसमें कौन सी विभक्ति नजर आ रही है, इसमें प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है, और पुरुष में भी कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है, प्रथमा ही राम है। वहां चलते हैं, इसमें मुझे दिखाई दे रही है षष्ठी विभक्ति, और इसमें दिखाई दे रही है प्रथमा विभक्ति। अब दोनों ही कोई ही ढंग से समझते हुए चलेंगे, जब तत्पुरुष समास में दोनों पदों में ही समान विभक्ति हो, तत्पुरुष समास में जब दोनों में ही समान विभक्ति हो तो वह क्या कहलाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष। और जब दोनों ही पदों में असमान विभक्ति हो तो वो कहलाएगा व्यधिकरण तत्पुरुष। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यधिकरण में तत्पुरुष समास में पहले पद में षष्ठी ही विभक्ति होगी, नहीं जी, कोई से भी विभक्ति हो सकती है प्रथमा को छोड़ करके, प्रथमा यदि आती है तो समानाधिकरण में, और इसके अलावा यदि कोई भी पूर्व पद में आती है तत्पुरुष में तो वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जाएगा। ऐसी स्थिति में ये व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके भेद हो जाते हैं विभक्तियों के आधार पर, और विभक्ति के आधार पर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो इसके छह भेद हो गए हैं व्यधिकरण के। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहां उदाहरण लिखूंगा मैं, व्यधिकरण तत्पुरुष में, फिर समानाधिकरण में चलेंगे। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास में यदि मैं बात करूं इसी को लेकर के, व्यधिकरण का मतलब क्या है, जब दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति हो, तो सबसे पहले मेरे पास में है द्वितीय, क्योंकि प्रथमा तो समानाधिकरण में चला जाता है दोनों पदों में, तो द्वितीय तत्पुरुष समास को ले,
अब द्वितीय तत्पुरुष समास में उदाहरण रखता हूं, एक है कृष्ण श्रिता, दूसरा मैं यहां लिखता हूं सुखातीत, तीसरे उदाहरण पे चले कूपपतित, चौथे में लेके चले ग्रामगत, विद्यालय अत्यस्त, सुखापन्न सुख प्राप्त, ये जो उदाहरण है हमारे हाथ में जो विसर्ग से युक्त हैं, इन उदाहरणों में पूर्व पद में क्या हो रहा है वो ध्यान रखें। कस अब यहां कैसे पता लगाए लगे वो पता लगाएं। देखिएगा पहले मैं यहां लिख देता हूं कृष्णम श्रितः, द्वितीय विभक्ति के अर्थ में विशेष में जाऊं तो को अर्थ में आता है, तो किसको आश्रित, कृष्ण को आश्रित कृष्ण श्रितः, कृष्ण को आश्रित। दूसरे पे जाऊं तो सुखम अतीत है, सुख को बीता हुआ। तीसरे में रखे जाएं तो कूपम पतित है, कूपम पतित है। चौथे पे चलें तो ग्रामम गता, पांचवा रखूं तो विद्यालयम अत्यस्त, छठवा रखा जाए तो सुखम प्राप्त। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे पता लगे कि द्वितीय तत्पुरुष समास कहां कहां होगी, तो यहां विशेष ध्यान रखिएगा कि श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन, यदि ये उत्तर पद में लगे हुए हो तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अर्थ भी ध्यान रखना, क्योंकि द्वितीय में हुआ है तो ये ध्यान रखो कृष्ण को आश्रित, ना कि कृष्ण पर आश्रित, पर के चक्कर में वहां गलत हो जाएगा। सुख को बीता हुआ, कूप को कुएं को गिरा हुआ, ना कि कुएं में गिरा हुआ। अरे अंदर मत गिरो भाई उसको, है ना, धरती पे है वो कुआ। गांव को गया हुआ, गांव में गया हुआ नहीं है। विद्यालय को पहुंचा हुआ, अत्यंत मतलब पहुंचा हुआ। सुख को प्राप्त और आपन कहते हैं पाने वाले को। परीक्षक का इसका इसमें बड़ा जबरदस्त फोकस होता है इस पूरे में द्वितीय तत्पुरुष में, कि वो एग्जामिनर प्रश्न पूछते हुए बड़ी सावधानी बरतता है। कैसे बरतता है, कूप पतिता दे गया इत्यत्र समासः के, समास कौन सा है, तो नंबर एक चार ऑप्शन भी देगा हमें, चार ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन वो दे गया जो आपको याद होता है कुएं में गिरा। तो याद रखने अपने आप को कुएं में गिरने से बचाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कूप पतित में क्या होता है। तो यहां पर मैं इसको और भी चेंज कर दूं कि यहां समास पूछा है, इस समास को वो कैसे पूछता है मैं उसको लिखने की कोशिश में रहूंगा। तो यहां पर उसने कहा कि एक तो सप्तमी तत्पुरुष, दूसरा दे रहा है वो षष्ठी तत्पुरुष, तीसरा वो दे गया द्वितीय तत्पुरुष, और तृतीय तत्पुरुष।
परीक्षक है, प्रश्न ऐसे ही रहते हैं उसके हमेशा ही, तो ध्यान रखना आपको है। इसी प्रश्न को मैं दोबारा इसी तरह ही से पूछ के चल रहा हूं ताकि एग्जामिन जो पूछे उसका जवाब दिया जा सके। इत्यत्र समास विग्रह, एक समास विग्रह का भी प्रश्न होगा आपके यहाँ, भाई रीट है तो रीट में समास विग्रह है, तो आइए जरा समास विग्रह में चले, चार ऑप्शन लेके चलो। एक दिया वो उपे पतित, कुएं में गिरा, दूसरा रख दिया उसने कूपम पतित, तीसरा रखा उसने कूपात पतित, और चौथा रख दिया उसने कूपेन पतित। लीजिए मित्र, हो गया चार आपके हाथ में। अब प्रश्न एग्जामिनर का ये है कि महाराज जी आप आंसर देने की कोशिश करें। यहां पर मैंने आंसर दिया तो यदि ये अर्थ निकाला हिंदी में, हिंदी वालों सावधान, जो हिंदी में संस्कृत को याद कर रहे हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। कुएं को गिरा ना कि कुएं में गिरा, और इसी तरह यहां भी समास विग्रह पूछा है तो कुएं में नहीं गिरा, कुएं को गिरा। यदि आपने इतना समझ में आ गया और यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो मित्रों ये पक्का है आपका ये समास गलत नहीं होगा और ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। मित्रों इतना सभी यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो निश्चित रूप से कम द्वितीय तत्पुरुष समास गलत नहीं होगा। अविभाव के उदाहरण मैंने आपको दिखाए बहुत हैं, काम करते हैं, जब आप पेपर देने बैठे हुए तो निश्चित रूप से आपको सही जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका सही रहे, ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, नमो नमः।